न्याय करता है। जहाँ हम दूध हम दोते हैं वो पूरे भारत में सप्लाई करता है, किस चीज का करता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक आंसुओं का हम एक किसान परिवार से संबंधित हैं। जिस तरीके से भारत सरकार और यूपी की सरकार के लोगों ने किसान नेता आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ अभद्र व्यवहार किया है और किसानों को उत्पीड़ित करने का काम किया है, हम सब लोग एकजुट होकर किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे और एक दिन किसान ही जीतेगा और सरकार हारेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे भारत में किसानों के भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। ये 26 जनवरी की जो एक घटना हुई वो सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से लाल किले को बदनाम करने के नियत से, इस देश के किसान को, किसान संगठनों को बदनाम करने की नियत से, गोदी मीडिया की मिली भगत से, प्रशासन के द्वारा, जिन अराजक तत्वों के द्वारा लाल किले पर एक अनैतिक तरीके से झंडा फहराने का प्रयास किया गया, भारत का किसान और भारतीय किसान यूनियन इसकी निंदा करती है। साथ ही हम इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जब किसानों को एक रूट दिया गया, उस रूट पर हमारा ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, अराजक तत्व कैसे चले आए, ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये भारत सरकार की नाकामी है। भारत सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश है और इस देश का किसान इस बात को बखूबी समझ रहा है। आपके माध्यम से हम भारत के किसानों को बताना चाहते हैं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन को दबाना चाहती है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, हम भारत के किसानों को जात धर्म और संप्रदाय के नाम पर भटका कर, भावनाओं को भड़का कर जिस तरह से अराजकता पैदा करना चाहती है और देश की खेती को, देश के किसान को अडानी और अंबानी का बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास कर रही है, भारत के किसान को एकजुट होकर इस ऐतिहासिक लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और आपके मंच, आपके माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहते हैं, भारत की सरकार को बताना चाहते हैं कि टिकैत के आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू नाकाम नहीं जाएगा। भारत का किसान अपनी कुर्बानी दे देगा, लेकिन इस कानून को वापसी के पहले हमारा आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। सरकार